नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एम एस सरस्वती फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट ए जी एस यू। मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम के रेगुलर बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सातवां सब्जेक्ट है उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसके अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना था और आप सबने सिलेक्ट कर लिया है, और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की एंड सेमेस्टर एग्जाम की जो डेट है वो कल डिक्लेयर की गई 15 मार्च। और मैं आप सभी को बता दूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो इंटरनल एग्जाम होगी, मिड सेमेस्टर एग्जाम, वो कब होगी, तो उसकी भी जो डेट है वो फैकल्टी के द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है। 7 मार्च के दिन आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो इंटरनल एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और ऑप्शनल एग्जाम का जो पेपर है उसका टाइमिंग क्या होगा, तो शाम को 4 बजे पेपर स्टार्ट होगा और 4:45 बजे तक पेपर चलेगा, यानी कि पूरे 45 मिनट्स आपको दिए गए इस पेपर के लिए। कितने मार्क्स का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव बेस होगा, अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है। और इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आने वाले समय में डिक्लेयर की जाएगी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के द्वारा, तब मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज से आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो इंटरनल एग्जाम था, सब ऐसा कह रहे थे कि 9 मार्च को होगा, लेकिन 9 मार्च को नहीं होगा, वो 7 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के द्वारा।